तरफ की सेना की बात कर लेते हैं। महायुद्ध में रूस को भारी नुकसान की खबर है। यूक्रेन की गोलीबारी में कादिरव के करीबी रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल जाउर दिमाएव की मौत हो गई है। डेली मेल की खबर के मुताबिक डॉनबास में मारे गए हैं वो, और रमजान कादिरव की स्पेशल बटालियन के साथ मिलकर डॉनबास में जंग लड़ रहे थे। गोलीबारी में लेफ्टिनेंट कर्नल जाउर दिमाएव समेत चार लोगों की मौत की खबर है। लेफ्टिनेंट कर्नल जाउर दिमाएव चेचन कमांडर कादिरव के बेहद करीबी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरव एक बार फिर यूक्रेन के लिए काल साबित हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि रमजान कादिरव के लड़ाकों ने अब यूक्रेन के एक और शहर सेवेरोदोनेत्स्क पर कब्जा कर लिया है। सेवेरोदोनेत्स्क लुहांस्क प्रांत का एक बेहद ही अहम औद्योगिक शहर है। इस शहर पर कब्जे की जंग को लेकर करीब एक महीने से घमासान जारी है। यूक्रेन में फिर काल बने कादिरव के लड़ाके। यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जे का दावा। कादिरव के शिकंजे में सेवेरोदोनेत्स्क शहर, ये रूस के उसी सेवेरोदोनेत्स्क शहर की तस्वीरें हैं जिस पर रमजान कादिरव के लड़ाकों ने कब्जे का दावा किया है। रूसी सेना के साथ कादिरव के लड़ाकों ने यहां ऐसा प्रचंड हमला बोला है कि शहर की सूरत पूरी तरह से बदल गई है। 24 घंटे इस शहर पर रूसी सेना के हमले हो रहे हैं। कहीं तोप के गोलों से दुश्मन को टारगेट किया जा रहा है, कहीं मिसाइल हमलों की मार यूक्रेन की सेना के पैर उखाड़ रही है। पूर्वी यूक्रेन के शहर में ज़ेलेंस्की की सेना के लिए चुनौती इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि उन्हें तीन मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ रही है। सेवेरोदोनेत्स्क शहर में यूक्रेन के लिए जंग का पहला मोर्चा रूसी सेना रही, दूसरा चेचन लड़ाके और तीसरा यूक्रेन के विद्रोही, और इसी वजह से इस शहर में रूस की ताकत तीन गुना तक बढ़ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि तीनों मोर्चों ने मिलकर सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर ऐसा हमला किया कि वहां के छोटे छोटे गांव पूरी तरह से तबाह हो गए। इस दौरान रमजान कादिरव के लड़ाके यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने शहर की ऐसी जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जिससे यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। लुहांस्क प्रांत के गवर्नर के मुताबिक रूसी सेना ने बमबारी के दौरान एक केमिकल प्लांट पर हमला बोल दिया जिस वजह से वहां नाइट्रिक एसिड से भरा टैंकर फट गया। रूस के इस हमले का वीडियो भी सामने आया जिसमें भूरे रंग के धुएं की कई किलोमीटर ऊंची मशरूम जैसी आकृति दिखाई दी। दरअसल चेचन कमांडर रमजान कादिरव का दावा है कि पुतिन ने उन्हें इस शहर पर कब्जा करने के लिए बुधवार तक की डेडलाइन दी थी और इसी वजह से रूसी सेना और रमजान कादिरव के लड़ाकों ने सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर जंग को और तेज कर दिया। इस दौरान रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने ठीक वैसी ही रणनीति अपनाई जैसी रणनीति उन्होंने मारियुपोल में अपनाई थी, यानी पहले शहर को पूरी तरह से घेर लो फिर ताबड़तोड़ हमला बोलकर दुश्मन को कुछ मत सोचने दो और फिर शहर में घुसकर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दो। दावा किया जा रहा है कि सेवेरोदोनेत्स्क शहर में भी कादिरव की ऐसी ही तरकीब काम आई और पूरे शहर पर रूस का कंट्रोल हो गया। खुद रमजान कादिरव ने एक वीडियो जारी करके इसका ऐलान किया। रमजान कादिरव के दावे के मुताबिक उनके लड़ाकों और रूसी सेना ने शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अगर वाकई ऐसा हो चुका है तो फिर पूरे डॉनबास पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। जिसे जीतने के लिए
पुतिन ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। मारियोपोल पर कंट्रोल होने का दावा करने के बाद रूसी सेना चेचन लड़ाके और यूक्रेन के विद्रोही अब पूरी ताकत से डॉनबास के इलाके में हमला बोल रहे हैं। उनके निशाने पर सबसे पहले लुहांस्क के दो शहर आए, जिनमें वहां के सबसे बड़े शहर सेवेरोदोनेत्स्क पर कब्जे का वो दावा कर रहे हैं। सेवेरोदोनेत्स्क के बिल्कुल बगल में लुहांस्क प्रांत में ही आने वाला दूसरा शहर लिसी चांस उनका अगला निशाना है। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में चल रही जंग के बीच तो यहां तक दावा किया गया कि पुतिन ने रमजान कादरव को डोनेस्क जीतने के लिए 1 जुलाई तक की डेडलाइन दी है, यानी